हमारे हरियाणा प्रदेश की पहचान, हरियाणा के ये बेटे और बेटियां चार दिन से लगातार हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी पदाधिकारी अपने अपने प्रदेशों के संघों के चार दिन से बड़ा सहयोग साथ दे रहे हैं। हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी गहलोत अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ, चाहे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की बात रही नेशनल सर्कल की, चाहे हमारी सर्कल की चंडीगढ़ में प्रतियोगिता उसमें सहयोग देने की बात है, सभी हमारे प्रदेशों के पदाधिकारियों ने बड़ा सहयोग साथ दिया। आज भी हमारे बीच में मनसा सिंह, ये बेटे और बेटियां श्री दुष्यंत जी चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का स्वागत अभिनंदन सम्मान करते हुए उनका धन्यवाद करते हुए सरकार ने सकुशल इन बेटे और बेटियों को घर पहुंचाने का काम किया। फाइनल मुकाबला आपके बीच में इंडियन रेलवे वर्सेज हिमाचल प्रदेश, यहां पर 29 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से चाहे केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, और एक इंडियन रेलवे विभाग, बाकी सभी 26 हमारी प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। कुछ टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके चली गई हैं, लेकिन ये फाइनल मुकाबले की दो टीमें हिमाचल प्रदेश वर्सेज इंडियन रेलवे और श्री नारायण जी शर्मा, इनके हमारे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सदस्य हमारे अधिकारी और सतीश कुमार स्पोर्ट्स इंचार्ज, वो भी हमारे बीच में, मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद करूंगा। सभी अर्जुन अवार्डी द्रोणाचार्य हमारी कोशिश का, हिंदुस्तान में 6 में से 5 आपके बीच में, चाहे डॉक्टर सुनील दबास की बात है, बलवान सिंह जी डुंडवा की बात है, रामजी खोकर की बात है, हसन कुमार जी भिवानी की बात है, चाहे कृष्ण जी हुड्डा की बात है, 5 हरियाणा प्रदेश के हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी सखी दादरी पावन बराबर, चाहे जितने हमारे अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी डिप्टी डायरेक्टर सुरजीत नरवाल जी, राजेश नरवाल, हमारी इंटरनेशनल प्लेयर दीपक निवास हुड्डा, अर्जुन अवार्डी, प्रियंका पिलानिया बेटी हेमा अवार्डी, संजय पवार वॉलीबॉल के हमारे अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो मंच की शान मंच की पहचान हमारे बीच में मंचा सिंह। आपस से मिलते हुए खिलाड़ियों की सुविधा अनुसार उनकी डिमांड पर उनसे बात करते हुए हमारे लिए बड़े गौरवशाली पल है। देर हो सकती है लेकिन सभी की समस्या खिलाड़ी साथी भी यहाँ आस लेकर आए हैं, मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय श्री दुष्यंत जी चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश। और ये टॉस की प्रक्रिया दोनों प्रदेशों के खिलाड़ियों के, एक इंडियन रेलवे एक हरियाणा प्रदेश, और मैच रेफरी हमारी सस्मिता दास जी जो प्रो कबड्डी की अवार्डी हमारी ऑफिशियल हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा विश्वास जी मोरे टेक्निकल इंचार्ज एमएचओ कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे बीच में है, और हमारे सभी द्रोणाचार्य छह माननीय रामजी जी खोखर की बात है, वुमेन टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन कमेटी मेंबर TIDC मेंबर, बलवान सिंह जी द्रोणाचार्य TIDC मेंबर, शालिनी पाठक जी DSP राजस्थान पुलिस TIDC मेंबर, जयवीर शर्मा जी सीनियर कबड्डी कोच हाई परफॉर्मेंस मैनेजर एंड हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर साई कबड्डी इवेंट्स, मैं धन्यवाद करता हूं सर। और मैच की प्रक्रिया बिल्कुल पूरी करते हुए रिकॉर्ड नहीं करने हमारे बीच में मनसा सिंह है। फाइनल मुकाबला इंडियन रेलवे वर्सेज हिमाचल प्रदेश के मध्य में होने को जा रहा है।
नंबर की जर्सी खिलाड़ी इंडियन रेलवे से, पायल चौधरी एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी है पायल चौधरी इंडियन रेलवे। सेल्फ आउट हुई पॉइंट हिमाचल प्रदेश को। फिर एक नंबर की जर्सी की खिलाड़ी प्रियंका नेगी एशियन गेम्स की मेडलिस्ट खिलाड़ी है प्रियंका नेगी। फिर रेड पर है इंडियन रेलवे में कार्यरत हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिले के रेंडाना गांव की बेटी है पूजा नरवा 10 नंबर की जर्सी बिल्कुल है। लेफ्ट से रेड की स्टार्ट की लेफ्ट हैंड से रनिंग हैंड की कोशिश पूजा नरवा इंडियन रेलवे खिलाड़ी। और ये कैच की कोशिश पॉइंट मिला भारतीय रेल विभाग को 10 नंबर की जर्सी पूजा नरवाल के रूप में। फिर है पवित्रा जूनियर एशियन चैंपियनशिप की मेडलिस्ट खिलाड़ी है सोनाली इंडियन रेलवे की तरफ से। एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट, सैफ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बेटी सोनाली। बोनस पॉइंट इंडियन रेलवे के लिए। फिर 12 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी साक्षी ठाकुर यूनिवर्सिटी के मेडलिस्ट, अभी हाल ही में सिद्धि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से मेडल जीत कर ये बेटी आज हमारे इस प्रतियोगिता में पहुंची है। साक्षी ठाकुर है यूनिवर्सिटी की मेडलिस्ट खिलाड़ी है। और हमारी बिटिया है रिया दलाल और हिमांशी दलाल। उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला को स्केच देकर सम्मानित कर रही हैं बेटियों के द्वारा। इन बेटियों ने बनाया स्केच और वो देकर सम्मानित कर रही हैं बेटियां। धन्यवाद करूंगा। हमारी बेटियां हैं रिया दलाल और हिमांशी दलाल। और ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से निधि शर्मा, फिर पूजा नरवाल जिसकी अपनी पहचान संख्या 10 नंबर है। इंडियन रेलवे बहुत बड़ा विभाग, हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में सबसे बड़ी। यदि विवेक एक्सप्रेस की बात की जाए तो 4286 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके 82 घंटे 30 मिनट में 57 स्टेशनों को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंचाती है उस विभाग की टीम पूजा नरवाल। फिर 3 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी पुष्पा राणा, सेमीफाइनल हरियाणा के साथ हुआ, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही। पुष्पा राणा साउथ एशियन गेम्स की मेडलिस्ट खिलाड़ी है हिमाचल प्रदेश। बड़े अच्छे हमारे सभी मैच ऑफिशियल जो सभी जो भूमिका अजीत जी हमारे दिल्ली से है प्रो कबड्डी के 2 times के प्रो कबड्डी के अवार्डी है। सस्मिता जी दास प्रो कबड्डी के अवार्डी हमारी ऑफिशियल है। अरुण कुमार जी दिल्ली, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। शानदार टैकल पॉइंट हिमाचल प्रदेश। और ये 6 नंबर की जर्सी पायल चौधरी को टैकल करने का काम किया। रेट पर है निधि शर्मा हिमाचल प्रदेश की तरफ से। ये बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमारे से कॉमनवेल्थ की बात है, एशियन गेम्स की बात है, चाहे ओलंपिक की बात है। माननीय दुष्यंत जी चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, अब पीछे चाहे हमारे अर्जुन अवार्ड की बात है, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात है, 64 में से 12 के लगभग अवार्ड हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और ओलंपिक में भी 30% भागीदारी, 7
में से चार हरियाणा प्रदेश ने अचीव किए हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा बेटे ने 87.58 मीटर का भल्ला फेंककर हिंदुस्तान में संसार में तहलका बचाया और आप और आपकी सरकार ने उस बेटे को 6 करोड़ रुपए की धनराशि देकर सम्मानित करने का काम किया। ये हरियाणा प्रदेश की पहचान है और रेड पर है। इंडियन रेलवे की तरफ से सोनाली बेटी है, एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट और हिमाचल लगातार साक्षी ठाकुर रेड पर है। साक्षी ठाकुर विश्वविद्यालय की मेडलिस्ट खिलाड़ी है। साक्षी ठाकुर फिर पुणे रेड पर है। इंडियन रेलवे की तरफ से पूजा नरवा बहुत कंपटीशन का मुकाबला चलते हुए बराबरी पर स्कोर चलता हुआ हिमाचल और इंडियन रेलवे के मध्य में प्रियंका प्रियंका नेगी रेड पर है। हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रियंका चारे के बीच में मुकाबला है। फिर पूजा नरवा इंडियन रेलवे की तरफ से गांव हरिधाना है, जिला सोनीपत हरियाणा प्रदेश। Thank you.
पुष्पा राणा, फिर रेड पर है सोनाली, इंडियन रेलवे की बहुत अच्छी खिलाड़ी, एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट, सेफ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी। थंड रेड का इशारा ऑफिशियल के द्वारा, टू और डाइविंग बोलते हैं डीओडी। प्रियंका देवी रेड पर है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और ये शानदार टैकल को आए, रितु के द्वारा 9 नंबर की जर्सी खिलाड़ी रितु के द्वारा, सेफ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, सेफ गेम्स की साउथ एशियन गेम्स जो एशिया महाद्वीप के शायद 7-8 है देश हमारे भाग लेते हैं उसमें, सेफ गेम्स हैं साउथ एशियन गेम्स, दक्षिण एशिया महाद्वीप के देश उसमें भाग लेते हैं। और रेड पर है सोनाली, इंडियन रेलवे की तरफ से। रेड पर है पुष्पा राणा, हिमाचल प्रदेश। वर्मा के द्वारा टाइम आउट दिया है गुरुमंत्र अपने खिलाड़ियों को, हिमाचल प्रदेश। बहुत कंपटीशन का मैच चलता हुआ, स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाएं तो 8-8 बराबरी पर है। दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दर्शक साथियों। सोनाली रेड पर है इंडियन रेलवे की तरफ से, सोनाली। फिर रेड पर है साक्षी ठाकुर, बहुत अच्छे हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रतियोगिता की मेडलिस्ट खिलाड़ी साक्षी ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। फिर भारतीय रेल विभाग की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से पूजा नरवा, हरियाणा प्रदेश की सोनीपत जिले के रिलाना गांव की बेटी है पूजा नरवा।
नजर गड़ाएं 11-8 हिमाचल प्रदेश के पक्ष में मैं खेलता हूं। पूजा अंगरवाला रेट पर है इंडियन रेलवे की तरफ से। साक्षी ठाकुर हिमाचल प्रदेश। दो जमा दो 4 पॉइंट हिमाचल प्रदेश। और 7 नंबर की जर्सी सुषमा सीनियर नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी है हिमाचल प्रदेश। सोनाली रेड पर है इंडियन रेलवे की तरफ से। 7 पॉइंट हिमाचल प्रदेश। मध्यांतर समय की व्यवस्था है और भाई थोड़ा सा रास्ता मैंने भी हमारे भाई के लिए 4 लाइनें में भी बनाई है टूटी फूटी भाषा में। दुष्यंत चौटाला के लिए मेरी 4 लाइनें हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत जी चौटाला से मैं अनुरोध करूंगा वो आए और भगवान रूपी दर्शक साथियों को शुभ संदेश देंगे। 3 अप्रैल 1988 गांव चौटाला में खुशी का डंका बजा था। जन नायक ताऊ देवीलाल के घर जन्म लेके कदम दुनियादारी में रखा। नमन है माँ जनी नाना सिंह चौटाला ने जिन्हें अपनी छाती का दूध पिलाया था। भलाई के काम देखकर फूलने समाते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिन्हों संस्कार से पाला साथ बनकर मुख्यमंत्री हरियाणा का सबके दिल में छाए हैं। और करें हमारे बेटो बेटियों की वर्षा जिन्होंने एशियन ओलंपिक में घूमे खाए हैं। कैसे पाल डी जी जुग जुग जियो या चौटाला नगरी जो इसे सुपुता ना पाड़स है इसे सुपुता ना पाड़स। आज कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से इस 66वें नेशनल एमेच्योर गर्ल्स टूर्नामेंट के अंदर हमारे बीच में मौजूद आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष हरियाणा के पवार साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत जी, सेक्रेटरी आपके कुलदीप जी, पूर्व मंत्री सतपाल सागवान जी, हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र लिताणी, अपने निशांत सिंह जी, संकट सचिव राजेंद्र लिताणी जी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भाई राजदीप जी, डिप्टी कमिश्नर प्रदीप जी, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस दीपक जी मंच पर बैठे, देश की अलग अलग एसोसिएशनों से जुड़े उनके पदाधिकारी और देश भर से आई हमारी बहनें बेटियां जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं अपने टैलेंट के साथ इस टूर्नामेंट में अपनी पहचान बनाने के लिए आई है। मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य भी रहा है कि निरंतर हर वर्ष चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो टूर्नामेंट के अंदर कहीं ना कहीं शरीक होकर इन खिलाड़ियों के हुनर को और निखरता हुआ हम देखते रहते हैं। और जिस प्रकार से अब प्रो कबड्डी के बाद नई सुविधाओं के साथ साथ खिलाड़ियों को जो फैसिलिटीज मिल रही है वो अपने आप इस गेम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रही है। मैं तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन को बधाई देता हूँ जिनने दादरी जैसे इस हमारे मीडियम साइज सिटी के अंदर हमने मुंबई में देखा, जयपुर देखा, पटना देखा, पुणे देखा, दिल्ली देखा, दादरी के अंदर इस टूर्नामेंट को लाकर एक चीज साबित कर दी कि मिट्टी से जुड़े इस खेल को सुविधा और असली
जो कुछ है वो ग्रामीणांचल के साथ जुड़े हुए धरातल पे मिल सकती है। मैं तो बधाई दूंगा सबको और यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी हर वर्ष इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की धरती पर कबड्डी जैसे खेल को निरंतर निखारने का काम करें। कई चीजें जो सरकार ने करी थी मैं भी समय नहीं लूंगा क्योंकि सारे यहाँ मैच देखने आए हैं। पवार साहब ने आपके बीच में रख दिया कि सरकार ने खेलों के लिए कितना करने का काम किया, मगर इस साल हमने एक चीज जरूर रखी है कि जो नए गेम्स उनको और निखारने का हम काम करेंगे। और ये भिवाड़ी दादरी रोहतक झज्जर की धरती तो ये है जहाँ कबड्डी कुश्ती ने अपना एक नया मुकाम देश भर में सोनीपत ले लो जींद ले लो बनाने का काम किया। और आज भी मैं रेलवे की टीम देख रहा था, आज ही हमारी बहनें तो रोहतक की और सोनीपत की है। और यही है कि हमारे खिलाड़ियों ने सेंट्रल सर्विसेज में भी स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी एक नई जगह बनाने का काम किया है। दोबारा मैं मजोर कबड्डी फेडरेशन का एसोसिएशन का आभार प्रकट करता हूँ कि 1966वें एमेच्योर वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर क्लोजिंग के इस महत्वपूर्ण मैच में आप सबको यहाँ बुलाया है, बुलाकर ही नहीं इतना रोमांचक खेल दिखाने का काम किया। और मेरे लिए तो खुशी की बात है कि फाइनल के अंदर हरियाणा की बजाय हिमाचल भी आया, तो मेरा तो 8 साल वहाँ स्कूल में पढ़ा हुआ हो एक लगाव है, मगर हार जीत चलती रहती है और दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाकर अभी तो आधा टाइम बचा है मशक्कत के साथ अपने जोश को दर्शाने का काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री दुष्यंत जी चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, अपने सुंदर शब्दों में आए हुए सभी साथियों का, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी कोचिज का स्वागत अभिनंदन अभिवादन किया।
कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों से हमारे बीच में पहुंचे हैं सरदार निशान सिंह जी, अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश, उनको शॉल के द्वारा और स्मृति जी लेकर सम्मानित करेंगे। एमएच और कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारी, निशान सिंह जी, अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में हैं पूर्व मंत्री माननीय श्री सतपाल सिंह जी सांगवा, एमएचओ कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय श्री सतपाल जी सांगवान, पूर्व मंत्री हरियाणा प्रदेश, एमएचओ कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारियों के द्वारा 68वीं नेशनल महिला चैंपियनशिप है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे चरखी दादरी जिले के उपायुक्त माननीय श्री प्रदीप जी को द्वारा, बड़ी कर्मठ मेहनत लगनशील हमारे प्रशासनिक अधिकारी 4 दिन से बड़ी देख रेख में, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय श्री प्रदीप जी बोदारा, उपायुक्त दादरी। सम्मानित किया जा रहा है एमएचओ कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से माननीय श्री प्रदीप जी गोदारा, उपायुक्त दादरी। अब मैं अनुरोध करूंगा सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को कवितार करते हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दादरी माननीय श्री दीपक जी हलावा सर आए। आपके विभाग ने 4 दिन से बहुत अच्छी, आपके चाहे डीएसपी की बात है, इंस्पेक्टर की बात है, सब इंस्पेक्टर की बात है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और से कॉन्स्टेबल है, दिन रात बड़ी मेहनत करके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय दीपक अहलावत जी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चरखी दादरी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विभाग है, उस विभाग की टीम
और उस विभाग की खिलाड़ी सोना है। मंच के सामने से बैठ जाएंगे, पीछे आ जाए सभी आए हुए अतिथियों को मैच देख लीजिए। आपसे मेरा अनुरोध, आप पीछे चले जाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी आप पीछे रहें। और साक्षी शर्मा सीनियर इंडियन कैंपर है, खेलो इंडिया की मेडलिस्ट खिलाड़ी है साक्षी शर्मा। रितु ने भी को आउट किया है, नहीं माफी चाहूंगा, रितु नेगू नहीं है। और ये सुना मिडिल लाइन को पार किया, 1 पॉइंट भारतीय रेलवे। फिर साक्षी शर्मा हिमाचल प्रदेश सीनियर की इंडियन कैंपर है, कैंप में हिस्सा लिया है, खेलो इंडिया की मेडलिस्ट खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री कृष्ण लाल जी पवार, पूर्व मंत्री धर्मवीर जी मलिक, वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप जी दलाल, महासचिव एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा आशीष जी चहल, राजेश जी पवार सह सचिव, सॉरी दादरी कबड्डी संघ अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी, भाई लोकेश सैनी, दीपक सैनी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, बड़ा सहयोग साथ दे रहे हैं। सोना
24 पॉइंट है हमारे ऑफिशियल का इशारा। अजीत सिंह जी दिल्ली प्रो कबड्डी के हमारे ऑफिशियल, सस्मिता दास जी प्रो कबड्डी की हमारी अवार्डी ऑफिशियल इंटरनेशनल ऑफिशियल, अरुण कुमार जी दिल्ली, बलकरण जी पंजाब और तीनों हिंदुस्तान की सिलेक्टर, डॉक्टर सुनील डबास जी अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी पद्मश्री, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज, बहन नीता दर्वे जी रेलवे में कार्यरत अर्जुन अवार्डी हूँ, अनुपम झाबाला जी कोच इंडिया की, तीनों की लेखनी बिल्कुल हर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, और ये पुष्पा राणा हिमाचल प्रदेश की तरफ से रेड पर पुष्पा राणा 29-27 का मुकाबला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में करता हुआ। पिंकी को आउट किया है, सुना लो बहुत अच्छी कोशिश की है और ये सफल कोशिश है इंडियन रेलवे। अट्ठाईस-30 का मुकाबला चलता हुआ, निधि शर्मा हिमाचल प्रदेश की तरफ से जूनियर की एशियन मेडलिस्ट है, खिलाड़ी है, बोनस की कोशिश की, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारे ऑफिशियल की जिद में रहें, हर एक बेटे और बेटी की परफॉर्मेंस पर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, निरीक्षण निर्णायक वेद मंडल के हमारे सभी ऑफिशियल और पूजा पूजा को गैस किया सुषमा के द्वारा 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी और फिर पुष्पा राणा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बड़ी अच्छी रेट है। इस टीम को फाइनल खिलाने में इस बेटी का बड़ा अहम स्थान रहा अपनी हिमाचल प्रदेश की टीम के लिए, सुषमा राणा पुष्पा राणा फिर सोना दे। बोनस ऑन है, कोशिश की जा रही है सोनाली के द्वारा, एंकल होल्ड, साक्षी शर्मा के द्वारा एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर से, और यदि स्कोर बोर्ड पर नजर गड़ाएं तो 28-32 और यदि समय पर नजर गड़ाएं तो 1 मिनट सस्मिता दास जी का इशारा है। पायल चौधरी रेट पर, पायल चौधरी ये भी जोर जुनून के साथ है, एक ठंडे दिमाग का खेल है, कहीं एक रेट में ज्यादा पॉइंट न चले जाएं, इस तरह खिलाड़ी अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और रेट पर है पुष्पा राणा। लेकिन पुष्पा राणा भी कम नहीं है, 2 पॉइंट, और यह मैच हिमाचल प्रदेश ने चैंपियनशिप को जीत लिया। अब मैं अनुरोध करूंगा तीसरे और चौथे स्थान को, टीम मैनेजर राजस्थान हरियाणा तीसरे स्थान के लिए जो टीम आई है हरियाणा, और तीसरे स्थान की राजस्थान टीम हरियाणा, प्लीज कोर्ट में आइए।
जल्दी करो भाई, जल्दी करो। तीसरे चौथे स्थान की जो टीम है और हमारी चैंपियनशिप का जो फ्लैग है